आयुर्वेद में कहा जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसके पैर गर्म, पेट नरम और सिर ठंडा हो। लेकिन आज के समय में ये सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो चुका है। गलत खान पान, अत्यधिक तनाव आदि का असर समय से पहले ही लोगों को बीमार बना रहा है। खासकर पेट की समस्या तो बहुत कॉमन हो चुकी है। बाजार का गरिष्ठ और मसालेदार भोजन खाने से लेट नाइट डिनर करने जैसी आदतों ने पेट की ऐसी वैसी कर रखी है। आयुर्वेद विशेषज्ञों की माने तो पेट तमाम बीमारियों की जड़ माना जाता है। अगर इसकी ठीक से देखभाल की जाए तो व्यक्ति खुद को तमाम समस्याओं से बचा सकता है। इस वीडियो में हम पेट की समस्या को दूर करने के कुछ सरल से उपाय बताएंगे, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे साथ बने रहें। विशेषज्ञों की माने तो तांबे के बर्तन में रखा पानी पेट की सेहत के लिए वरदान होता है। यदि सुबह की शुरुआत इस पानी से की जाए तो पेट की तमाम समस्याएं दूर हो सकती है। सुबह उठते ही बासी मुंह से इस पानी को पीना चाहिए। इसके लिए रात को ही इस पानी को बर्तन में भरकर रख दें और सुबह उठकर पिए। तांबे में ऐसे कई तत्व होते हैं जो पेट के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। रात भर में ये पानी अच्छे से मिक्स हो जाता है, लेकिन इस बर्तन को किसी लकड़ी की मेज या तख्ते पर ही रखें, जमीन पर ना रखें। फाइबर से भरपूर पाचन तंत्र को मजबूत करने का काम करती है। पाचन तंत्र मजबूत रहने से आपका खाना अच्छे से पच जाता है और पेट की सेहत दुरुस्त रहती है। इसलिए अपनी डाइट में रेशेदार फल, साबुत अनाज, हरी सब्जियां, फलियां वगैरह को शामिल करें। लेट नाइट डिनर की आदत को बदल दें। पेट की समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए गुनगुना पानी भी काफी मददगार माना जाता है। रोजाना खाना खाने के करीब आधा घंटे के बाद गुनगुना पानी पीने से डाइजेशन बेहतर होता है। रोजाना कम से कम सुबह खाली पेट और दोनों समय खाने के आधे घंटे बाद पानी जरूर पिए। त्रिकोणासन, पश्चिमोत्तानासन और पवन मुक्तासन आदि तमाम योगासनों को पेट की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। साथ ही सुबह व शाम वॉक जरूर करें। शाम की वॉक खाने के बाद करें। सुबह के समय चलने की स्पीड तेज रखें, लेकिन शाम की वॉक में ज्यादा तेजी ना करें। शाम की वॉक के बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठें। कहा जाता है कि हर व्यक्ति को सप्ताह में एक दिन का व्रत जरूर रखना चाहिए। इसे शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और पेट की गड़बड़ी दूर होती है। व्रत एक तरह से पाचन तंत्र को रिसेट करने का काम करता है, इसलिए हफ्ते में एक दिन व्रत जरूर रखा करें। तो ये थे पेट की समस्या को दूर करने के कुछ सरल से उपाय जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक साझा किए हैं। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।